सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो भाई, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160 आर के बारे में। तो देखो, 150 या 160 कैटेगरी की कोई बाइक ढूंढ रहे हो ना, तो ये एक ऑप्शन है, चला के जरूर देखना। फिर वो लेना ना लेना आपके ऊपर है, मतलब आपका पर्पस पूरा करे भाई, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। मतलब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये वाला होने वाला है। लाइटिंग पूरा आप लोगों को LED में ही मिलने वाला है। ब्रेकिंग भी भाई, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है इस बाइक में, वो है ब्रेकिंग। फ्रंट ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रही है, बाइब्री की रियर है निसिन का, और दो वेरिएंट में टोटल बाइक अवेलेबल है, यानी कि ड्यूल डिस्क और सिंगल डिस्क वाला, और ABS आप लोगों को सिंगल चैनल ही मिलने वाला है, यानी कि फ्रंट में ही। तो ये है सारा सेटअप। वीडियो में अपन पूरी बात करेंगे कि क्या आप लोगों को डिटेल मिलने वाली है इस बाइक के बारे में, और विद आपका ऑन रोड प्राइस और कलर ऑप्शन की अगर अपन बात करें ना, तो टोटल 4 कलर ऑप्शन के साथ बाइक अवेलेबल रहने वाली है। वेरिएंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, अपने पास दोनों ही अवेलेबल है, और प्लस यहाँ पर एक स्लीट एडिशन करके भी एक बाइक आती है, जिसको पूरा आप लोगों को सेटअप ब्लैक ही रहने वाला है। मैट ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक का कॉम्बिनेशन आप लोगों को वहाँ मिलने वाला है। ये है अपना सिंगल चैनल और अपना जो सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट, तो यहाँ पर आप लोगों को रियर में ड्रम सेटअप ही रहने वाला है, तो इस टाइप का अपना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये है अपनी की, जैसा कि आप लोगों को हीरो की ज़्यादातर बाइक्स में मिलती है, ये एक्सपल्स में भी कुछ इसी टाइप की आप लोगों को की मिलती है। फ्रंट सेटअप की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा खाली ही मिलने वाला है। हीरो का एक लोगो आप लोगों को 3D में यहाँ आ जाएगा। LED में पूरा सेटअप है, LED में ही हेडलैम्प है, और LED ही आपके इंडिकेटर भी होने वाले हैं। 37mm का फ्रंट आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप रहने वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ABS का इस टाइप से पुराना स्टिकर आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगा। फ्रंट पेट्रोल डिस्क के, मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही पेट्रोल डिस्क आप लोगों को रहने वाले हैं। फ्रंट डिस्क का साइज़ देखें तो 276mm का फ्रंट डिस्क मिलता है विद आपका ABS। और ब्रेकिंग का पूरा आप लोगों को ना ब्रांडिंग यहाँ नहीं है, पर ऊपर आप लोगों को बाइब्री की पूरी ब्रांडिंग मिल जाएगी। इस टाइप से अपना पूरा MRF का टायर सेटअप रहने वाला है। 17 ही फ्रंट है और 17 ही रियर है। इस टाइप का टायर का पैटर्न है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और अलॉयज का शेप आपका कुछ इस टाइप का आ जाता है। फ्रंट मडगार्ड अपना ड्यूल सेटअप में रहने वाला है, यानी कि ड्यूल शेड में मैट ब्लैक प्लस बॉडी कलर। और ये लुक भी, मतलब जो इस पर क्रीज लाइंस है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। टैंक का शेप कुछ ऐसा है, और प्लस फाइबर में ही रहने वाला है। स्टिकरिंग की अगर अपन बात करें, तो हीरो एक्सट्रीम का एक पूरी ब्रांडिंग यहाँ है, और 160R की ब्रांडिंग आप लोगों को यहाँ भी मिल जाएगी। 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो मतलब इनफ यार इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और काफ़ी तेज़ बाइक है भाई, है मतलब ऐसा नहीं है कि 150 की तरह ही नॉर्मल रहेगा इसका। 0 to 60 लगभग ऑलमोस्ट 5 सेकंड में क्लेम करती है हीरो, और वो चीज़ अपन जब चेक कर पाएंगे, जब अपने पास बाइक अवेलेबल होगी, तो वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। मतलब एक पूरा एक्सट्रीम का राइड रिव्यू, के किस टाइप की बाइक चलती है और क्या आप लोगों का बिहेवियर रहता है। सीट हाइट भी आप लोगों को यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं मिलने वाली, टोटल 790mm की सीट हाइट आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, और सिंगल सीट ही मिलने वाली है। कुशनिंग देखें तो कोई इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब मीडियम सेटअप सारा रहने वाला है। पर जो पूरी प्लास्टिक क्वालिटी और पेंट फिनिश क्वालिटी आ रही है ना, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार मिलनी है, बिल्कुल ज़्यादा कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलनी है, पर ऐसा नहीं है। पर हीरो के अकॉर्डिंग आप लोगों को बढ़िया मिलने वाली है। ये वाला रियर लुक कुछ ऐसा है, और जो टेल लैंप है अपना, ये डार्क में रहने वाला है, तो ये ना इसके साथ अच्छा जेलअप हो रहा है रियर के साथ। मतलब एक अलग से नहीं दिख रहा सब, मतलब पूरा इंटीग्रेटेड वाला सेटअप ही लगने वाला है। इस टाइप के अपना इंडिकेटर होगा, ये अपना हीरो का स्टिकर, और नंबर प्लेट अपना यहाँ आनी है। नंबर प्लेट का बल्ब भी अपना LED में ही रहने वाला है। अब कई लोगों को ये जो टेल टाइडी वाला सेक्शन है, ये कुछ लोगों को बड़ा भी लग सकता है और कुछ लोगों को इनफ भी लग सकता है, तो आपके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज भी करवा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को रियर में ड्रम ही रहने वाला है। रियर टायर की ग्रेडिंग देखें तो 130/70/17, तो 17 ही फ्रंट है, 17 ही रियर है। MRF का ये भी टायर होने वाला, और पैटर्न काफ़ी अच्छा है इसका ना। और बाइक की कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा, मतलब टायर का जो पूरा ग्रेडिंग है, ये भी काफ़ी सही रहने वाली है। रियर में अपना मोनोशॉक ही रहने वाला है। 7 वे एडजस्टेबल है ये, तो ये भी आप लोग आपकी राइड के अकॉर्डिंग और किन रोड्स पे आप लोग चलते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर अच्छी लगेगी ना, वो भाई कई लोगों की डिमांड रहती है कि 150cc सेगमेंट जो रहता है ना, ये वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको सिटी, मतलब डेली कम्यूट के साथ थोड़ा सा इनफ पावर भी चाहिए उनके लिए। यहाँ पर आप लोगों को किक भी मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को लगने वाली है। और किक के लिए आप लोगों को कोई चीज़ भी फोल्ड करनी नहीं पड़ेगी, यहाँ से देख सकते हो, मतलब किसी चीज़ से टच नहीं होगी। कि किक प्लस अपना जो सेल्फ स्टार्ट है, वो तो खैर रहता ही है रेगुलर, वो वाला सेटअप आप लोगों को पूरा मिलने वाला ही है। तो अपने पास ना भी ड्यूल डिस्क वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, और वो ही है जो स्लीट एडिशन जो मैं बता रहा था आप लोगों को, तो वो बाइक दिखा देता हूँ हम लोगों को। सो ये भाई अपना जो स्लीट एडिशन है, और यहाँ पर ना लोगों को इस टाइप से पूरा एक्सट्रीम स्लीट का पूरी ब्रांडिंग भी मिलती है 3D में, और ग्लॉसी ब्लैक प्लस मैट ब्लैक दो कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर पूरा सेटअप रहने वाला है। और अपोजिट साइड से अगर अपन देखें ना, तो इंजन कट ऑफ अभी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, और प्लस जो सिंगल हेड गियर लीवर है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। 5-speed गियर बॉक्स है। इंजन का शेप अपोजिट साइड से कुछ इस टाइप का, हीरो की प्री ब्रांडिंग भी मिल जाती है। चेन पूरा ओपनिंग वाला ही रहने वाला है,
तो ये है पूरा चेन का सेटअप, और ये भी काफ़ी नीटली सारा सेटअप आप लोगों को लगने वाला है। साड़ी गार्ड आ गया, तो ये चीज़ आप लोग रिमूव कर सकते हो। सीट ओपनिंग के लिए की होल अपना यहाँ है, रियर में अपना स्प्लिट में ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, और रियर लुक दोनों बाइक का सेम ही रहने वाला है। तो जो मेजर डिफरेंस है आप लोगों को सिर्फ वो एक ही चीज़ लगने वाली है, वो है अपना रियर डिस्क, और पूरा निसिन की ब्रांडिंग भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा, और रियर डिस्क भी अपना पेडल डिस्क होने वाला है, और लगभग 220 या 230 या 230 mm के आसपास इसका साइज़ लग रहा है मुझे। तो ये है पूरा सेटअप। अभी अपन ने एग्जॉस्ट नोट भी सुनते हैं कि किस टाइप का आप लोगों को पूरा एग्जॉस्ट नोट मिलने वाला है। उससे पहले अगर देख लेते हैं कि पूरा MID सेटअप क्या आप लोगों को रहने वाला है, तो ये पूरा आप लोगों को काफ़ी अच्छा LCD जो उसका शायद कुछ कहते हैं आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, इन्वर्टेड LCD शायद कहते हैं उसको ना, तो वो है ये पूरा सेटअप आप लोगों को काफ़ी अच्छा है। इसकी ब्राइटनेस जो है ये ऑटोमेटिक अपना अकॉर्डिंग मतलब लाइट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेता है। गियर इंडिकेटर यहाँ आ रहा है, टोटल स्पीड, ऑडोमीटर, क्लॉक, और नीचे अपना फ्यूल गेज आ रहा है, और ऊपर अपना पूरा RPM मीटर चल रहा है। स्विचेस देखें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। ये देखो हजार्ड लैंप आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है बाइक के साथ ही। इसका भी पूरा देखते हैं कि किस टाइप का ये लगने वाला है फ्रंट से देखने में। हाई बीम, लो बीम, और आपका एक पास वाला स्विच यहाँ आ गया, इंडिकेटर, इस टाइप का अपना हॉर्न है जैसा कि रेगुलर आता ही है, और कुछ अलग शेप के आप लोगों को यहाँ पर ना रियर व्यू मिरर भी मिलने वाले हैं। तो ये है बैक और ये है फ्रंट, थोड़ा सा स्क्वायर शेप बॉक्सी डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पर लगने वाला है। ये है अपना फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक अपना फाइबर में ही रहने वाला है 12 लीटर का। और एक अच्छी चीज़ जो आप लोगों को और मिलने वाली है, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है एक टाइप से चार्जर, पूरा USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, और इसकी कवरिंग भी है, तो यानी कि ये वाटरप्रूफ पूरा सेटअप रहने वाला है। तो यहाँ से आप लोग फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, और जो सिटिंग है इसकी ना वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब काफ़ी अपराइट बैठोगे, और प्लस एक अच्छा फील गुड फैक्टर भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये हुआ पूरा अपना फीचर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के, क्या आप लोगों को ये 160cc का जो इंजन है ये पावर प्रोवाइड करता है। सो इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है 163cc का एयर कूल्ड 2-valve सिंगल सिलेंडर, और पावर की बात करें तो 15.2 PS का पावर है, और 14 Nm का टॉर्क रहने वाला है। गियर बॉक्स अपना वही 5-speed ही है। तो ये है अपना पूरा इंजन का डिटेल, काफ़ी अच्छा पावर फिगर भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, और प्लस फीचर्स भी काफ़ी अच्छी है, और कलर ऑप्शन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। अब बात करें अगर अपन ऑन रोड प्राइस की ना, तो ऑन रोड प्राइस जयपुर ये आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, तो 141 से लेकर के 146 के समथिंग अराउंड आप लोगों को बाइक कॉस्ट करेगी ऑन रोड जयपुर। तो अपना ये कह सकते हो 140 से लेकर के 146 तक, 146-600 के आसपास आप लोगों को ही प्राइस पड़ने वाली है। तो ये है भाई अपना सारा वीडियो कंप्लीट हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में। तो शोरूम की डिटेल आप लोगों को सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हो। सो ये वो भाई अपना पूरा वीडियो कंप्लीट, प्राइसिंग भी आप लोगों को मिल गई, फीचर्स भी मिल गए, और प्लस इंजन स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों को बता दी, और दोनों वेरिएंट जो अपने पास अवेलेबल थे, यानी कि दो ही आते हैं और दोनों अपने पास अवेलेबल थे, तो वो भी आप लोगों को मैंने दिखाई दी है। तो करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।